आजम डील में आज हम लभेड़ा के बारे में जानेंगे। लभेड़ा एक आम मध्यम ऊंचाई का वृक्ष है। इसकी आम तौर से दो किस्में पाई जाती हैं। एक पेड़ जिसके फल पूरी तरह गोलाई लिए हुए नहीं होते, ये कुछ चपटे से आगे से नुकीले होते हैं। इसके फल बरसात के मौसम में पक जाते हैं। इनका रंग पकने पर प्याजी हो जाता है। खाने में ये मीठे और चिपचिपे होते हैं। इसके अंदर चिपचिपा गूदा भरा होता है, इसे ही लभेड़ा कहते हैं। इसकी दूसरी किस्म वे है जिसके फल बड़े और गोलाई लिए होते हैं, इसे लाशोड़ा, लहसोड़ा, लसोड़ा कहते हैं। इसके फल गर्मी बरसात के मौसम में कच्चे हरे सब्जी बाजार में भी मिल जाते हैं। इन्हें सिरके में डाला जाता है और अचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। लभेड़ा और लहसोड़ा दोनों के गुण समान है, लेकिन हकीमी दवाओं में लभेड़ा बहुत तायत से प्रयोग होता है। नजले जुकाम के जोशांदे का ये मुख्य अवयव है, खांसी के लिए विशेष दवा है। हकीमी दवाओं में सूखा लभेड़ा प्रयोग किया जाता है, इसे सपिस्ता कहा जाता है। सूखे लभेड़े का प्रयोग जोशांदे के अलावा खांसी के नुस्खों, एसिडिटी कम करने की दवाओं और दवाओं की खुश्की कम करने में भी होता है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, इसकी एक बड़ी वैरायटी भी होती है जिसे लहसोड़ा, लाशोड़ा, लसोड़ा कहते हैं। इसलिए कुछ लोग इस छोटी वैरायटी को लसोड़ियां भी कहते हैं, लेकिन इसका मुख्य नाम लभेड़ा है। लभेड़े के पके फल खाने से एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है। लभेड़े का स्वभाव गर्म तर है, ये बलगम को निकालता है। बार बार खांसी आने और सूखी खांसी में विशेष रूप से लाभ करता है। कब्ज में भी फायदा करता है। लभेड़े के पत्ते, अमरुद के पत्ते, गेहूं के आटे की भूसी जो आटा छानने से निकलती है, और थोड़ा सा नमक डालकर 2 कप पानी में पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर पीने से नजला जुकाम में बहुत लाभ होता है। स्पर्मेटोरिया में लभेड़े के पके फल रोजाना सुबह शाम खाने से बहुत लाभ मिलता है। इसके लिए लहसोड़े के पके फल लभेड़े के फलों ज्यादा लाभकारी हैं। लभेड़ा खोजने वाले लोग आमतौर पर इसमें मिलावट या शुद्धता को परख नहीं पाते। आजम डील द्वारा जंगल से हासिल किया गया लभेड़ा अब भारत में हर जगह मंगाया जा सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आजम डील असली लभेड़ा की लिंक दी गई है।